आरोग्य जागृति। डॉक्टर धवल मोदी जो एक रेडियोलॉजिस्ट है, इन्होंने स्लिप डिस्क बीमारी पर नवा तरीका ओजोन थेरेपी से काम करना शुरू किया है। तो आइए देखते हैं। दर्शकों, आरोग्य जागृति में आपका स्वागत। दर्शकों, हम आपको हर एक स्पेशलिटी के बारे में हम जानकारी देते रहे और देते रहेंगे। आज हम ऐसे विषय पे बात करेंगे जो ओजोन थेरेपी जो स्पाइन एंड न्यूरो और स्पाइन सर्जरी पेशेंट के ऊपर किया जाता है। डॉक्टर डीबी मोदी साहब जो न्यूरो, इन्होंने काफ़ी पेशेंट के ऊपर उपचार भी किया है ओजोन थेरेपी से और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अगर हमें कुछ स्पाइन की या न्यूरो की कुछ तकलीफ होती है तो हम सीधा न्यूरोसर्जन या स्पाइन सर्जन के पास जाने के बाद बताते हैं कि हमें ऑपरेशन करवा दीजिएगा। डॉक्टर मोदी जी का कहना ये है कि ओजोन थेरेपी से भी हम ऐसे पेशेंट के ऊपर उपचार कर सकते हैं और उन्हें राहत दे सकते हैं। लेकिन दर्शकों, हम ये बताना चाह रहे हैं कि ओजोन थेरेपी क्या है। आज हम उन्हीं से जानेंगे ओजोन थेरेपी के बारे में। आपका आरोग्य जागृति में स्वागत है। आज आप बॉम्बे हॉस्पिटल में काफ़ी दिनों से काम कर रहे हो, काफ़ी पेशेंट को आपने ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन ओजोन थेरेपी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ओजोन थेरेपी क्या होती है? नमस्ते, मैं डॉक्टर मोदी बॉम्बे हॉस्पिटल में कई 40 साल से काम कर रहा हूँ और ये नया ट्रीटमेंट मैं और डॉक्टर घाटगे ने शुरू किया 10 और 12 साल पहले। जर्मनी से डॉक्टर आए थे, उनसे हमने ये नॉलेज लिया और वहाँ पे ट्रेनिंग किया कि ये कैसे किया जाता है। अब ये नया ट्रीटमेंट ऐसा है कि ओजोन थेरेपी उसको बोलते हैं, परंतु ओजोन सिर्फ वो गैस है जिससे हम गादी को सुकोड़ देते हैं, निकली हुई गादी को। अभी वो कैसे होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। उसमें है कि अगर किसी को कमर का दर्द है या गले का दर्द है, उसको स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं और सायटिका बोलते हैं। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आजकल निर्माण हुआ है, क्योंकि एक तो रोड कंडीशन इतना ख़राब है, फिर कंप्यूटर पे बैठ के 8-10 घंटा काम करना रहता है, तो यंगस्टर्स में जिम पे ज़्यादा दबाव है, फिर मोटरसाइकिल पे ज़्यादा चलना है, तो वो हिसाब से कमर पे बहुत तनाव आता है। और तनाव आने की वजह से ये जो कमर का मॉडल है इसमें गादी बाहर निकल के नस को दबा रही है, क्योंकि प्रेशर आता है। दो वर्टिब्रा माने दो हड्डी जो स्पाइन में है उसके बीच में जो गादी है वो गादी पीछे आके ये नस को दबा रही है। अभी नॉर्मल आदमी में ये गादी इसके लिए है कि अपन ये सब कर सके, आगे झुके पीछे झुके साइड में। ये गादी अगर नहीं होती तो ये बांबू हो जाता था और झुकने के टाइम पे ये टूट जाती थी, परंतु ये गादी की वजह से ये सब अपन हो रहे हैं। और भगवान ने अपने को पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम दिया है, जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये स्पाइनल कॉर्ड है जो ब्रेन से लगा हुआ है और ब्रेन से नीचे लेके आना काम स्पाइनल कॉर्ड का है। जैसे कि अपना मेन केबल आता है घर में और घर में आने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट होता है करंट, एक किचन में जाता है, एक हॉल में जाता है, एक बेडरूम में जाता है, वैसा हर एक लेवल पे एक एक नस वो करंट को लेके जा रहा है और वो करंट बॉडी के हर एक पार्ट को सप्लाई कर रहा है। अभी क्या हो रहा है कि जब ये गादी पीछे आ जाती है तो ये करंट जो जा रहा है और ये वायर माने इसको नस बोलते हैं, नर्व्स बोलते हैं, नर्व्स को दबान आता है, तो उसका मतलब ये है कि समझो ये वायर है, ये वायर को मैं बाहर से दबा दूँ तो ये इसमें करंट जाता हुआ कम हो जाएगा, उसकी क्षमता कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो ये इंस्ट्रूमेंट को ऐसा लगेगा कि मुझे और करंट दो तब मैं बराबर फंक्शन कर पाऊँ। तो सेम प्रॉब्लम अपना बॉडी में होता है कि बाबा ये इसको बोलते हैं सायटिक नर्व, इसके लिए ये डिजीज़ को बोलते हैं सायटिका, और ये सायटिक नर्व जब दबती है तो जो सप्लाई है उसका पैर का है और पैर में कम करंट जाने की वजह से पैर के मसल को भूख है कि हमें और करंट दीजिए,
और ये भूख के हिसाब से दर्द निर्माण होता है। हर टाइम पेशेंट चलता है या उठता है या ज़्यादा बैठता है तो वो बोल रहा है कि मेरे को खिंचाव आता है, कमर दर्द होता है, या तो पैर में झुनझुनी होती है, कभी कभी पेशेंट बोल रहा है कि पायत आग होते। तो ऐसा सब सिम्टम्स हर एक उम्र में हर एक आदमी को अलग अलग होता है। जब ये नस दबती है, गादी कितनी पीछे आ गई है, तो ये आप देख सकते हैं कि गादी पीछे आके ये नस को हड्डी के अगेंस्ट दबा रही है, तो इसीलिए ये करंट पहुंच नहीं रहा है। तो MRI में दिखाएंगे कि भाई L3, L4, L4, L5, L5, S1 ऐसे तीन गादी पीछे जाती है, और ज़्यादातर इधर, क्योंकि पूरा बॉडी का वेट इसके ऊपर आता है और पूरा सर का वेट इधर आता है। आजकल कंप्यूटर में ऐसा बैठ के या मोबाइल पे टेक्स्टिंग करते हैं तो पूरा वो ध्यान नहीं रहता है पेशेंट का कि मेरा बॉडी का पोस्चर कैसा है, और बाद में करके दर्द चालू हो जाए। या तो जिमिंग में सबको सलमान खान बनने का है तो वो ज़्यादा वज़न उठा लिया तो इधर प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी ये गादी पीछे आने से इसको स्लिप डिस्क बोलते हैं, और अपने को मालूम पड़ जाता है MRI में कि भाई ये तीन गादी पीछे आ गई है। तो अभी उसको कैसे ट्रीट किया जाए? तो अभी तक तो ऐसा था, अभी मीन्स 10 साल पहले, कि भाई ऑपरेशन ही एक माध्यम था। ऑपरेशन में क्या करते हैं कि जो गादी बाहर आ गई है वो गादी को थोड़े से काट देते हैं, ताकि क्या है कि नस फ्री हो जावे। जैसा अपना घर की गादी, मैं गादी पे बैठा हूँ, इधर बैठूँगा तब गादी थोड़ी बाहर आती है, अभी मैं उठ जाऊँ तो ये जो गादी पे मैं बैठा हूँ वो पीछे आ जाती है। परंतु ये केस में ये गादी पीछे नहीं आती है, क्योंकि उसको दबाव के कारण पीछे आ गई है। जैसे समझो बर्गर, आप बर्गर खाते हो तो ऐसा दबाएंगे तो चीज़ कैसे बाहर आ जाता है, सेम वे, हाँ सेम वे ये गादी बाहर आ गई। तो सर्जन क्या करता है, माइक्रोस्कोप अभी आजकल यूज़ करते हैं, उसे देखता है और इसके मालूम पड़ रहा है कि कौन सी गादी कितनी बाहर आई है, उसको कट कर देते हैं। परंतु ये सर्जरी के माध्यम से होता है। अभी सर्जरी में क्या है कि जो मैं बता रहा हूँ इतना क्लियर दिखता नहीं है, क्योंकि इधर मसल आता है, ब्लड वेसल आता है, काफ़ी चीज़ इधर है, ये तो सिर्फ अंदर का ये है, हार्ड है। तो कई गलती से नस कट गई तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकता है पेशेंट, इसलिए काफ़ी पेशेंट को डर है कि हमको सर्जरी नहीं कराना। तो ये ट्रीटमेंट हमने 10 साल पहले विदाउट सर्जरी, पर सेम थिंग जो सर्जरी में करते हैं वो करते हैं, उसको हम ओजोन थेरेपी फॉर स्लिप डिस्क बोलते हैं। तो हमने वो शुरुआत की बॉम्बे हॉस्पिटल में। उसमें क्या करते हैं कि जो गादी बाहर आ गई है तो हम पेशेंट को पहले पेट पे सुलाते हैं ऐसे, और ये हम कैथलैब टेबल पे करते हैं, बड़ा टेबल जहाँ हार्ट की एंजियोग्राफी होती है, ताकि जो बड़े TV पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि हम नस में किधर दवा डालने वाले हैं, दवा माने ओजोन। तो हम क्या करते हैं कि सब एक इम्पोर्टेड सुई लेते हैं, एकदम पतली सुई है, तो बहुत ज़्यादा है, बाल के जितनी, और साइड से जाते हैं जहाँ पे गादी बाहर निकली है, मीन्स MRI में दिखाया हो, और वो गादी के अंदर जाके ओजोन छोड़ देते हैं, 2 या 3 ml ओजोन छोड़ते हैं। अभी इसमें क्या होता है कि बायो केमिको मैकेनिकल रिएक्शन होता है। जैसे हम ओजोन गादी में छोड़ते हैं तो गादी के 2 पार्ट हैं, अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट है, जैसे अपन देखो गाड़ी का टायर है कैसा है, अंदर सॉफ्ट है और बाहर से कोटिंग का, जो सॉफ्ट पार्ट है उसमें 80% पानी है और 20% प्रोटीन है, आप समझ गए। तो हम इसका फ़ायदा उठाते हैं कि अंदर पानी ज़्यादा है तो ओजोन जाके एक रिएक्शन शुरू करता है, जिसके एंड पॉइंट, रिएक्शन का एंड पॉइंट आता है जिसमें ऑक्सीजन और वाटर बाहर निकलता है। तो आप ऐसे समझिए कि ये फुगा है, पानी से भरा हुआ है,
और आप थोड़ा दो तीन ड्रॉप पानी बाहर निकालो तो फुगे का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। तो यही प्रिंसिपल ओजोन थेरेपी का है। तो जो गादी बाहर आ गई है उसमें से थोड़ा पानी निकाल दो ताकि वो फुली हुई गादी वापस जगह पे चले जाए। अभी हम पेशेंट को ऐसा समझाते हैं कि आपका गले का नेकलेस है, लाखों करोड़ों का नेकलेस है, उसमें एक डायमंड निकल गया है, तो आप पूरा हार तो बदलने वाले नहीं हैं, वो उसके पास जाके एक डायमंड वापस सेट कर देते हैं। तो हमारा भी काम वही है कि भाई अपना काट कूट नहीं करके हर एक लेवल पे हम ओजोन इंजेक्शन दे देते हैं। और ये सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया में है, पेशेंट बात करता है और पेशेंट का रिलेटिव को भी अंदर लेते हैं, उनको सामने बिठा के ये सब करके उसको सीडी भी देते हैं कि भाई ये प्रोसीजर किया हुआ है। और आधा पौन घंटे में तीन लेवल हो जाते हैं। पेशेंट को एक रात यहाँ रुकाते हैं ताकि रात को शायद दर्द होवे या कुछ होवे तो यहाँ रुक जावे, और मॉर्निंग में डिस्चार्ज कर देते हैं नेक्स्ट डे। तो खाली एक ही दिन का स्टे है और एकदम सेफ है क्योंकि इसमें कोई काट कूट नहीं है, इसमें कुछ नस के पास में भी जाना नहीं है, और इतना बड़ा टीवी है और इतना पतली इम्पोर्टेड सुई है जो टोटल बेंड होती है और अंदर जाती है। सर, काफ़ी लोगों के समस्या है या फिर कंफ्यूजन है क्या ओजन थेरेपी कितना सीटिंग होती है और कितना देर में होता है? राइट, तो ये जो हमारा प्रोटोकॉल है बॉम्बे हॉस्पिटल का, और हमने 10 साल से किया है, करीब 10 या 12 हज़ार पेशेंट, हम मानते हैं कि हम एक ही बार में सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। हम तो इतना भी किया है कि जो गल्फ से पेशेंट आए हैं उनके पास टाइम नहीं है यहाँ रुकने को, तो उनको दोनों का प्रॉब्लम रहता है, सर्वाइकल और लंबर। अभी 75 इयर्स है, 80 इयर्स है, उनको क्या दर्द से छुटकारा पाना है, कहीं भाग दौड़ करना नहीं, कहीं ट्रेन पकड़ना नहीं, कहीं जॉब पे जाना नहीं है, हाँ मेंटेन होवे, कंफर्टेबल रहे, कहीं दरगाह मंदिर में जावे बस, और कहीं शॉपिंग करने जावे। तो हमने क्या किया कि हमारे पास वक्त ही नहीं था उनको ट्रीटमेंट करने को, तो हमने दोनों रीजन एक ही साथ किए। तो पहले उनको लंबर का किया, फिर सीधा सुला के सर्वाइकल का भी कर दिया। सर, एक सिटिंग को कितना खर्चा आता है? करीब डिपेंड ऑन क्लास, बॉम्बे हॉस्पिटल में जनरल वार्ड से लेके अपना डिलक्स क्लास जैसे आपका बेड देते हैं वो करीब समझो अबाउट 15,000 जनरल वार्ड, 15,000 से 20,000 जनरल वार्ड का है, और ज़्यादा से ज़्यादा अराउंड 70,000-80,000 है एक ही दिन में है, और ब्लड टेस्ट वगैरह सब उसमें इंक्लूडेड है। सर, ऐसा सीटिंग कितने सीटिंग लगता है एक पेशेंट की? एक ही बार, वही तो मैं समझा रहा हूँ, हमने दोनों रीजन एक बार में ही कर दिया। अच्छा। वापस हमारे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छा। और हम ये इसका रिजल्ट 4 से 6 हफ्ते में आता है, दर्द धीरे धीरे कम होता है, दवाई गोली चालू रखना है और उसके बाद फिजियोथेरेपी। हमारा बोलना ऐसा है कि आज सीटिंग हो गया है तो ये सीटिंग के बाद उसको और एक 3 महीने 6 महीने बाद और सीटिंग देने? बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही बार में पूरा डोज हम गादी में दे देते हैं ताकि जो गादी बाहर आई है वो सीधे अंदर। हाँ, है ऐसा जो दिल्ली में कर रहे हैं कि 2-3 सिटिंग कर दें, थोड़ा 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 डाल, पर क्यों इतना भी सुई देने का? अच्छा। हम एक ही बार सुई देते हैं और एक ही बार में ख़त्म कर देते हैं। हमारे पेशेंट जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी से आते हैं, लंदन और अमेरिका से आते हैं, तो वापस कौन आने वाला है? सर, एक पेशेंट की एक समस्या ऐसी है, वो फ्रैक्चर हुआ है राइट। ये तो फ्रैक्चर का जो आप बोल रहे हैं, जिससे वर्टिब्रा का हाइट कम हो जाता है। हाइट कम होने से क्या होता है कि उसका स्ट्रेंथ निकल जाता है, इसके लिए पेशेंट को पेन होता है। दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस में होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम जिसको कम है, पारसी लोगों में ज़्यादातर मनके दब जाते हैं। तीसरा इसमें कैंसर में, अगर कैंसर इसमें स्प्रेड हो गया मनके में तो भी वो दब जाता है और पेन, और वो भी हमारे पास आते हैं, पर उसमें हम ओजोन इंजेक्शन नहीं देते, पर उसके अंदर बोन सीमेंट डालते हैं। ओके। ये जो हमने सुई से गादी को अंदर किया वैसे हम
बॉडी में जाते हैं वर्टिब्रा के और अंदर बोन सीमेंट डाल देते हैं। 2 या 3 ml बोन सीमेंट डालने से एकदम कड़क हो जाता है वो वर्टिब्रा, तो उससे चलता है सर। काफ़ी लोगों की उसको वर्टिब्रोप्लास्टी बोलते हैं। ओके। जैसा एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, मीन बड़ा कर दिया, वैसा वर्टिब्रोप्लास्टी बोलते हैं। सर एक प्रश्न ऐसा आ रहा है लोगों के पास से कि जो काफ़ी पेन मैनेजमेंट जो एग्जैक्टली यस लोगों ने काफ़ी गली गली में पेन मैनेजमेंट एग्जैक्टली इंजेक्शन देते हैं, तो ओजोन थेरेपी के बारे में लोगों को कन्फ्यूजन है, राइट? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बिल्कुल बहुत बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। पेन मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप समझो कि मुझे इधर एक घाव हुआ है इधर उंगली पे, तो क्या करते हैं उसको पट्टी लगाते हैं अपन, बराबर है? दैट्स ऑल। तो घाव मींस उसको इरिटेट नहीं होता है। तो सेम वे पेन मैनेजमेंट में इधर घाव होता है क्योंकि ये दब दब के इधर नस का जो ये छिल जाता है। तो पेन मैनेजमेंट में क्या करते हैं वो लोग, इंजेक्शन देते हैं और स्टीरॉयड डालते हैं। स्टीरॉयड से पट्टी हो जाते हैं, पर स्टीरॉयड कितना टाइम चलेगा आप समझे? 3 महीना या 6 महीना, उसके बाद वही हालत होती है। अच्छा। मैं पेशेंट को ऐसे समझा रहा हूँ कि आपको कांटा लगा है, आप पट्टी मार मार के कांटे वो दर्द कम करो, पर जब तक आप कांटा बाहर नहीं निकालो, तो हम क्या करते हैं एक स्टेप और जाते हैं पेन मैनेजमेंट से कि भाई जो कारण क्या है, गादी, तो गादी को ही अंदर कर दो, फिर वो आग न रहेगा, बांस न बजेगी बांस, ऐसा है। और एक प्रश्न ऐसा आ रहा है कि हमारे दर्शकों में आर्थराइटिस के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आर्थराइटिस ये पूरा बोन्स पूरा ये हो जाते हैं। श्योर श्योर। तो ऐसे पेशेंट में ओजोन थेरेपी कितना वर्क करता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ये आर्थराइटिस का ये जॉइंट है, नी जॉइंट है, जैसे इधर गादी है यहाँ कार्टिलेज है। अभी वर्ल्ड में ऐसा किसी ने बनाया नहीं है कि ये कार्टिलेज को रिप्लेस कर सकता है अभी तक। अगर आप बनाओ तो आपको नोबेल प्राइज़ मिलेगा। तो फिश एक्सट्रैक्ट देते हैं, कई तरीके से दवाई आई है जिससे कार्टिलेज को पोषण देते हैं, ताकि क्या है कि ये हड्डी और ये हड्डी घिसे नहीं। इसमें पेन क्यों होता है कि दोनों हड्डी एक दूसरे को घिसते हैं, आप समझ गए? और ये क्या है, वेयर एंड टेयर है, वेयर एंड टेयर मैकेनिज्म, जैसा टायर घिसता है। अभी 50-60 साल एक आपको काम दिया, बाद में घिसने वाला है। तो हम पहला ये बोलते हैं कि कार्टिलेज जैसे आप दागिना है उसको संभाल के रखो पहला तो। परंतु अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि इसको कैसे हम कर सकते हैं, तो हम इसमें भी क्या करते हैं कि ओजोन डाल देते हैं, कि ओजोन इसको पोषण देता है ताकि कार्टिलेज टूटे नहीं और ये दोनों हड्डी अलग रहे। ओके। और इसमें एक सिटिंग में नहीं होता है, हर एक वीक में 2 या 3 बार आना पड़ता है, क्योंकि एक शॉट में ये कार्टिलेज नहीं हो सकता है। तो उसमें भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। सर अभी जेनेटिक में मेन जो आता है ना वो स्कोलियोसिस आता है। स्कोलियोसिस मींस क्या, कर्व, ये जो स्ट्रेट है कर्व। और मेनली क्या है कि ये लेडी मींस गर्ल्स में रहता है, तो वो शादी वादी का चक्कर रहता है, ऐसा ये खराब दिखता है। तो उसमें क्या है कि एक ही अभी तक ट्रीटमेंट है कि सिर्फ रॉड डाल देते हैं ताकि वो ग्रो होवे, तो सीधा ग्रो होवे। वो कर्व अभी तक कोई सही नहीं कर पाया है। अच्छा। सर अभी कहाँ कुछ पेशेंट हमने देखा है और कुछ पेशेंट के ये जो है ना अराउंड 20-21 ईयर्स का प्रॉब्लम होता है, ये जो आप एंकिलोजिंग स्पॉन्ड, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, बाम्बू स्पाइन। ओके। दूसरा शब्द जो है उसको बोलते हैं बाम्बू स्पाइन। अभी बाम्बू स्पाइन क्या होता है ये देखिए, ये आप जूम कर सकते हैं, ये जो जैसे हड्डी का जॉइंट है, ये दो मणके का जॉइंट है, आप देखो ये मणका ये मणके के ऊपर घूम रहा है, इसको बोलते हैं फैसेट जॉइंट। फैसेट, दोनों बाजू फैसेट है, आप समझ गए? तो ये फैसेट जॉइंट का
ऑटोमेटिकली जॉइंट हो जाता है, जॉइंट नहीं रहता है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर ऐसा है एंकिलोजिंग में, तो ये सब जॉइंट हो जाता है, तो उसको एकदम स्पाइन को कड़क कर देता है, स्पाइन में ही जॉइंट नहीं है, आप समझ गए? तो उसमें जनरल ओजोन थेरेपी देते हैं, जो हम नहीं देते। जनरल ओजोन माने क्या है, मसल्स को लूज करना है, वो लोग आईवी ओजोन देते हैं, तो वो कर सकते हैं, बट नॉट हम जो कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। सर ये हमने देखा है कि जैसे आपने बताया कि आईवी से बहुत बार थेरेपी चलती है, बिल्कुल, तो ये कितना वर्क करती है बॉडी में एक्सपेंशन? वो भी हमारे कलीग्स हैं, यू आर राइट, ऐसा ये आया है, मतलब ये कर रहे हैं कि बताया, मतलब चैलेंज कर रहे हैं कि भाई हार्ट के पेशेंट इससे ठीक किया जाता है, कैंसर भी इससे ठीक किया जाता है, इवन जो बच्चे नहीं होते हैं, बिल्कुल, उसको भी रिजल्ट आता है, बिल्कुल। तो सही है अभी ये क्या हुआ है कि ये नया एक थेरेपी शुरू हुआ है जिससे आईवी या इवन रेक्टल देते हैं थ्रू द एनस, तो बॉडी में जाके वो ओजोन गैस है वो स्प्रेड होता है और टॉक्सिसिटी निकाल देता है, और उसकी वजह से ये सब रोग आपको आप क्लेम करते हैं कि अच्छा होते हैं, परंतु वो भी हमारे कलीग्स ही है, हम तो सिर्फ ओजोन इसमें यूज़ करते हैं, परंतु उनका रिजल्ट्स अच्छा है। अभी आई थिंक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी हुए हैं इसके ऊपर, और कल ही मैंने पढ़ा कि रशिया में दे आर इंक्लूडिंग ओजोन थेरेपी इन द मेडिकल दिस स्टडीज, तो दैट मींस इट मस्ट बी वर्किंग, बट मेरा खुद का अनुभव उसमें नहीं है। सर ये ओजोन थेरेपी देने के लिए कुछ स्पेशलिटी कोर्स होता है या स्पेशलिटी डॉक्टर चाहिए या फिर कोई भी दे सकता है? नहीं नहीं नहीं, ओजोन थेरेपी का इसका क्या बोलते हैं कि ओजोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये देखिए ओजोन सोसाइटी ऑफ इंडिया में हमने पहले रजिस्टर किया है, और इसका हमने पहले पूरा ज्ञान लिया है कि ओजोन कैसे यूज़ कर सकता है, बिकॉज ओजोन कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्री ऑल्सो, इंडस्ट्रियल पर्पस में भी यूज, बट दिस इज मेडिकल ओजोन, तो वो तो पहले आपको जरूरी है बेसिक ज्ञान करने के, ऑफ कोर्स पहले मेडिकल डिग्री तो होना ही चाहिए, बट इट कैन बी BAMS वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यू नीड MBBS ओनली। ये करने के बाद आप रजिस्टर करके उनका जो प्रोग्राम है वो है उनका, वो सिखाते हैं, एंड देन यू कैन यूज़, तो हमने भी वो किया, फिर ये हम ये न्यूरो में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ब्रेन एंजियोग्राफी और वो भी सब करते हैं। अच्छा। ब्रेन का जो ब्लड वेसल ब्लॉकेज हो जाता है या रक्तस्राव होता है, उसके लिए अपन दूसरा सेशन करेंगे, पर उससे ओजोन से कुछ लेना देना नहीं। अच्छा सर, अभी लास्ट क्वेश्चन ही, हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छा आपने ज्ञान दिया ओजोन थेरेपी क्या है, हम डॉक्टर मोदी साहब से हम हमेशा इसके बारे में आपको अपडेट जानकारी देते रहेंगे, लेकिन सर एक आखिरी सवाल ये है कि ओजोन थेरेपी लेने से जागृति साइड इफेक्ट्स अभी तक आपके नज़र में आए हैं क्या? मैं तो इतना सिंपल बताता हूँ कि आप ऑक्सीजन तो ले रहे हैं जी, और ऑक्सीजन के बिना जीना इम्पॉसिबल है, वो तो सबको मालूम है। ऑक्सीजन में क्या है, ओ और ऊपर दो, ओ टू, ओजोन क्या है, ओ और ऊपर थ्री, तो उसमें ही जवाब आ गया कि आपको ऑक्सीजन से एक मात्रा ऊपर हम दे रहे हैं प्योर, उससे क्या साइड इफेक्ट होने वाला है? जब जिंदा रहने के लिए ओ टू का ज़रूरत है, हम आपको ओ थ्री दे रहे हैं, बट ये तो जस्ट मीन्स जोक है, पर मेरा ये कहना है कि ओजोन से बिल्कुल नुकसान नहीं। पहले लोग क्या करते थे, एसिड डालते थे इसमें गादी में ताकि गादी बर्न हो जावे, पर वो सब अभी चले गए। ओजोन डालने से ऑन द कॉन्ट्री गादी और मजबूत होती है और अंदर जाते हैं। सर अच्छा हो गया, एक जो स्पाइन के बारे में हम चर्चा किए थे, स्पाइन फ्रैक्चर L3 L4 में यस 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 राइट, उससे अभी ओजोन थेरेपी देना है, वो पेशेंट बेड से नहीं उठ सकता है, तो ऐसे पेशेंट को कैसे आप नहीं करेंगे, ठीक कर पाएंगे? नहीं, अभी देखिए बेड से नहीं उठने का दो तीन कारण है। अभी पहले के ज़माने में क्या करते थे, जब भी MRI नहीं था तो माइलोग्राफी करते थे, जैसा अभी मैं ही करता हूँ, और मेरे पास है 21 साल का लड़का, अभी आने वाला है B1D से, उसका झाड़ गिरने से L2 पे लग गया,
अभी उसको प्रॉब्लम क्या हुआ है कि ये जो पीछे स्पाइनल कॉर्ड है ना वो डैमेज हो गया है। ये इसका मतलब ये कि आपका मेन केबल को ही डैमेज हो गया है। हाँ, तो अपन क्या करते हैं कि पहले ये देखना है कि कौन सी नस कितनी भर रही है, तो उसको खड़ा रख के माइलोग्राम करते हैं, फिर सीटी स्कैन निकालते हैं, तो उसमें दिखता है कि कितनी नस और ये सब दबता है, और अपन इसको इधर प्लेट मार सकते हैं पीछे। हाँ, तो ताकि ये ज़्यादा दबाव नहीं आए, पर फिर उम्र के हिसाब से उसका कितना रीजेनरेशन होता है, दैट इज़ द मेन फैक्टर। तो यंग है तो रीजेनरेट होता है, ओल्ड है तो डिफ़िकल्ट है। तो ये थे, काफ़ी अच्छे आपने ओजन थेरेपी के लिए बताया है हमें, हमारे दर्शकों के काफ़ी सवालों के जवाब भी दिया है, और कुछ सवाल हम अगले सेशन में लेंगे आपसे। आपने आपका कीमती टाइम हमें दिया इतने बॉम्बे हॉस्पिटल का जो भी है। तो सर, हमारा एक आपसे एक और एक दूसरा एक रिक्वेस्ट नहीं बोलेंगे, आरोग्य जागृति के अभियान के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आम जनता के लिए मेडिकल समझना आजकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्या बोलते हैं, गूगल पथी कुछ भी हुआ तो गूगल पे डाल देते हैं, परंतु वो जो गूगल पे आता है वो आपके ऊपर नहीं होता है। और हाँ, तो इसीलिए ऐसे चीज़ जो मैगजीन्स आते हैं उसमें इन डेप्थ नॉलेज देते हैं, और दूसरा डॉक्टर्स से खुद इंटरव्यू लेके उनकी जो एक्सपेसिटी निकाल देता है, और उसकी वजह से ये सब रोग आपको आप क्लेम करते हैं कि अच्छा होते हैं, परंतु वो भी हमारे कलीग्स ही है, हम तो सिर्फ ओजोन इसमें यूज़ करते हैं, परंतु इनका रिजल्ट्स अच्छा है। अभी आई थिंक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी हुए हैं इसके ऊपर, और कल ही मैंने पढ़ा कि रशिया में दे आर इंक्लूडिंग ओजोन थेरेपी इन द मेडिकल दिस स्टडीज़। तो दैट मीन्स इट मस्ट बी वर्किंग, बट मेरा खुद का अनुभव उसमें नहीं है। सर, ये ओजोन थेरेपी देने के लिए कुछ स्पेशलिटी कोर्स होता है या स्पेशलिटी डॉक्टर चाहिए, या फिर कोई भी दे सकता है? नहीं नहीं नहीं, ओजोन थेरेपी का इसका क्या बोलते हैं कि ओजोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये देखिए ओजोन सोसाइटी ऑफ इंडिया में हमने पहले रजिस्टर किया है, और इसका हमने पहले पूरा ज्ञान लिया है कि ओजोन कैसे यूज कर सकता है, बिकॉज ओजोन कैन बी यूज इन इंडस्ट्री ऑल्सो, इंडस्ट्रियल पर्पस में भी यूज, बट दिस इज मेडिकल ओजोन। तो वो तो पहले आपको जरूरी है बेसिक ज्ञान करने के, ऑफकोर्स पहले मेडिकल डिग्री तो होना ही चाहिए, बट इट कैन बी BAMS वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यू नीड MBBS ओनली। ये करने के बाद आप रजिस्टर करके उनका जो प्रोग्राम है वो है उनका, वो सिखाते हैं, एंड देन यू कैन यूज़। तो हमने भी वो किया, फिर ये हम ये न्यूरो में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ब्रेन एंजियोग्राफी और वो भी सब करते हैं। अच्छा, ब्रेन का जो ब्लड वेसल ब्लॉकेज हो जाता है या रक्तस्राव होता है, उसके लिए अपन दूसरा सेशन करेंगे, पर उससे ओजोन से कुछ लेना देना नहीं। अच्छा सर, अभी लास्ट क्वेश्चन ही, हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छा आपने ज्ञान दिया ओजोन थेरेपी क्या है। हम डॉक्टर मोदी साहब से हम हमेशा इसके बारे में आपको अपडेट जानकारी देते रहेंगे, लेकिन सर एक आखिरी सवाल ये है कि ओजोन थेरेपी लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक आपके नज़र में आए हैं क्या? मैं तो इतना सिंपल बताता हूँ कि आप ऑक्सीजन तो ले रहे हैं जी, और ऑक्सीजन के बिना जीना इम्पॉसिबल है, वो तो सबको मालूम है। ऑक्सीजन में क्या है, ओ और ऊपर दो, O2। ओजोन क्या है, ओ और ऊपर 3। तो उसमें ही जवाब आ गया है कि आपको ऑक्सीजन से एक मात्रा ऊपर हम दे रहे हैं प्योर, उससे क्या साइड इफेक्ट होने वाला है? जब जिंदा रहने के लिए O2 का ज़रूरत है, हम आपको O3 दे रहे हैं, पर ये तो जस्ट मीन्स जोक है। पर मेरा ये कहना है कि ओजोन से बिल्कुल नुकसान नहीं है। पहले लोग क्या करते थे, एसिड डालते थे इसमें गादी में,
ताकि गादी बर्न हो जावे, बट वो सब अभी चले गए। ओजोन डालने से ऑन द कॉन्ट्री गादी और मजबूत होती है और अंदर जाती है। सर अच्छा हो गया, एक जो स्पाइन के बारे में हम चर्चा किए थे, स्पाइन फ्रैक्चर L3 L4 में यस हुआ है, राइट, उससे अभी ये ओजोन थेरेपी देना है, वो पेशेंट बेड से नहीं उठ सकता है, तो ऐसे पेशेंट को कैसे आप ऑन करेंगे, ठीक कर पाएंगे? नहीं, अभी देखिए बेड से नहीं उठने का दो तीन कारण है। अभी पहले के ज़माने में क्या करते थे, जब भी MRI नहीं था तो माइलोग्राफी करते थे, जैसा अभी मैं ही करता हूँ, और मेरे पास है 21 साल का लड़का, अभी आने वाला है B1D से, उसका झाड़ गिरने से L2 पे लग गया। अभी उसको प्रॉब्लम क्या हुआ है कि ये जो पीछे स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो डैमेज हो गया। ये इसका मतलब ये कि आपका मेन केबल कोई डैमेज हो गया है। हाँ, तो अपन क्या करते हैं कि पहले ये देखना है कि कौन सी नस कितनी भर रही है, तो उसको खड़ा रख के माइलोग्राम करते हैं, फिर CT स्कैन निकालते हैं, तो उसमें दिखता है कि कितनी नस और ये सब दबता है, और अपन इसको इधर प्लेट मार सकते हैं पीछे। हाँ, तो ताकि ये ज़्यादा दबाव नहीं आए, पर फिर उम्र के हिसाब से उसका कितना रीजेनरेशन होता है, दैट इज द मेन फैक्टर। तो यंग है तो रीजेनरेट होता है, ओल्ड है तो डिफिकल्ट है। तो ये थे, काफी अच्छे आपने ओजोन थेरेपी के लिए बताया हमें। तो आज हम अगले सेशन में लेंगे आपसे, आपने आपका कीमती टाइम हमें दिया इतने बॉम्बे हॉस्पिटल का जो भी है। तो सर हमारा एक आपसे एक और एक दूसरा एक रिक्वेस्ट नहीं बोलेंगे, आरोग्य जागृति के अभियान के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आम जनता के लिए मेडिकल समझना आजकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्या बोलते हैं, गूगल पथी, कुछ भी हुआ तो गूगल पे डाल देते हैं, परंतु वो जो गूगल पे आता है वो आपके ऊपर नहीं होता है। और हाँ, तो इसीलिए ऐसे चीज़ जो मैगजीन्स आते हैं उसमें इन डेप्थ नॉलेज देते हैं, और दूसरा डॉक्टर्स से खुद इंटरव्यू लेके उनकी जो एक्सपीरियंस है वो आप शेयर करते हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड। आरोग्य जागृति।